आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। 2100 करोड़ रुपए की कंपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है और इस ब्रांड का नाम है नील कमल। नील कमल ये वही ब्रांड है जिसकी प्लास्टिक की कुर्सियां आपने गांव-गांव में देखी होंगी, क्योंकि काफ़ी समय से नील कमल ने प्लास्टिक की कुर्सियों को पहले फोकस किया, ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, तो लोगों के बीच में प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसमें नील कमल ने अपना एक ब्रांड बना लिया और अपने आप को स्थापित कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, नील कमल अभी के डेट में प्लास्टिक के प्रोडक्ट के अलावा वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स लेकर आई हुई है मार्केट में एंड बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है अभी के डेट में। अदरवाइज 2100 करोड़ रुपया का रेवेन्यू जनरेट करना ये सबके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको ही पता। इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेता हूँ। इस कंपनी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1981 में मुंबई महाराष्ट्र में। नील कमल लिमिटेड प्लास्टिक मोल्ड्स के मामले में पूरी दुनिया का सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एशिया का लार्जेस्ट प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है, यानी कि रेपुटेशन वाइज तो बहुत ही अच्छा है। नील कमल को तो सारे लोग जान ही रहे हैं। आइए जरा मैं आपको एक नजर इनकी वेबसाइट के थ्रू दिखाता हूँ कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट अभी के डेट में कंपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू बेच रही है, जिसके बारे में आप में से काफी सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। सो ये है कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट neelkamalfurniture.com। यहाँ पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले देखना है हमें कैटेगरी में। कैटेगरी में आप देखिए लिविंग रूम। लिविंग रूम में क्या आता है? सोफा आता है, रिक्लाइनर आता है, चेयर आते हैं, टेबल आते हैं, बुक केसेज एंड शेल्व्स आते हैं जो जनरली लोग घर में लाइब्रेरी के तौर पे यूज़ करते हैं, शू रैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट यूनिट हो गया, ऑटोमन हो गया। इसके अलावा आ गया बेडरूम। बेडरूम में बेड, वार्डरोब। बेड तो देखिए हमने खुद भी परचेज किया हुआ है सो मुझे पता है इनके बेड की क्वालिटी कैसी होती है, अच्छी होती है। बेड साइड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स हो गया। डाइनिंग में आ जाइए तो डाइनिंग टेबल ये प्रोवाइड करा रहे। होम ऑफिस में आ जाइए तो ऑफिस टेबल हो गया, कंप्यूटर टेबल हो गया, वर्क क्यूब हो गया, किड्स फर्नीचर हो गया, मैट्रेसेस भी ये प्रोवाइड करा रही है, बहुत बड़ी बात है। लिविंग रूम के कैटेगरी में जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए क्या क्या दिख रहा है और इनके जो भी क्वालिटीज़ हैं ये बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, गारंटी भी देते हैं ये। सो ये बहुत बड़ी बात है और इनके जो भी प्रोडक्ट हैं आप प्रीमियम रेंज के कह सकते हैं। लिविंग रूम में क्या क्या रहता है वो आपने देख लिया। एक बार जरा बेड देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महंगा जो बिकता है वो बेड ही बिकता है। बेड में देखिए 21,000, 19,500, ये जो रेंज है 22,500 से 24,000, 21,000, 29,000, क्वीन साइज़ का बेड हो गया, किंग साइज़ का बेड हो गया, ये सारे प्रोडक्ट नील कमल में बिकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होगा, जिनको लगता होगा कि अभी तक नील कमल सिर्फ प्लास्टिक के चेयर्स बेच रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इन सारे चीज़ों का प्रोडक्शन कंपनी कर रही है और बड़े बड़े शहरों में इन्होंने ऑलरेडी फ्रेंचाइजी स्टोर सभी के डेट में ओपन किए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। कंपनी जो भी फ्रेंचाइजी स्टोर दे रही है वो थोड़े बड़े रेंज पे दे रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, एरिया भी आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक चीज़ का कंपनी का गारंटी है कि महीने के एंड में आप लाखों रुपये छाप के जाएंगे। ये तो श्योरिटी है, ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की ये होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें बेच रही हैं, यूटिलिटी से रिलेटेड चीज़ें जो भी है, प्लास्टिक से रिलेटेड, ये डेली नीड का चीज़ है, लोगों का ज़रूरत है और कोई भी चाहता है कि बेड खरीदे थोड़ा अच्छा क्वालिटी खरीद लें, मैट्रेस खरीदे बढ़िया क्वालिटी खरीद लें, कुर्सी टेबल कोई भी चाहता है अच्छा खरीदे, वहाँ पर नील कमल का बहुत ही बड़ा ब्रांड का वैल्यू काम आता है। सो सबसे पहले तो अगर आप नील कमल का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो किस टाइप का लोकेशन आपको देखना है। सबसे पहला नंबर जो और फेवरेट लोकेशन है वो कंपनी का, वो बेसिकली ये है कि आप देखिए फर्नीचर मार्केट। हर इलाके में एक फर्नीचर मार्केट होता ही होता है। अगर आपको फर्नीचर मार्केट में जगह मिल गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं मिला तो आप जनरल मार्केट में ट्राई कीजिए। ये दो जगह आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मॉल को भी देख सकते हैं, लेकिन मॉल का जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इस सेगमेंट में प्रेफरेबल नहीं होगा। बाहरी जो स्पेस है आप उसको देखेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा एंड कंपनी के एंड से भी प्रेफरेबल होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आता है कि एरिया कितना चाहिए, कितना स्पेस चाहिए। सो स्पेस इसमें बेसिकली चाहिए होगा 3000 स्क्वायर फीट। 3000 स्क्वायर फीट क्यों चाहिए होगा? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया कि किन किन सेगमेंट के ये प्रोडक्ट अपने डिस्प्ले करेंगे, सो उसके लिए उतना स्पेस तो चाहिए ही होगा। अगर आपको 3000 स्क्वायर फीट का जगह नहीं मिल रहा है तो ऊपर नीचे फ्लोर वाइज भी आप देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर ले लीजिए, उसका फर्स्ट फ्लोर ले लीजिए, या फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, वो आपके ऊपर है, आपके कन्वीनियंस के ऊपर में। इतना स्पेस चाहिए होगा और जो भी
आप शोरूम देखेंगे उसका जो फ्रंटेज है, फ्रंटेज यानी कि दुकान का जो आगे का भाग है वो कम से कम 20 फीट का चौड़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि तब जाके कंपनी एक ढंग का ब्रांडिंग कर पाएगी। ये चीज तो कंपनी ने वेबसाइट पर ही मेंशन कर दिया है कि ये दो चीज तो होना ही चाहिए। दूसरी बात हो गई कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरल जो स्किल है, जो आपके अंदर बिजनेस करने का क्षमता है वो होना चाहिए। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। वैसे कंपनी तो उसको ज़्यादा प्रेफर करेगी कि अगर आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है एंड फाइनेंशियली आप साउंड एंड स्ट्रांग है। अब बात की जाए इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। नीलकमल का फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो लगभग आपका 50 लाख के आसपास में आएगा। और इतना क्यों आएगा, क्योंकि ये बड़े लेवल का फ्रेंचाइजी है, इसमें ढेर सारा आपको स्टॉक परचेज करना होगा, आपको इंटीरियर एक्सटीरियर भी करना होगा, वर्किंग कैपिटल के तौर पे भी पैसे रखने होंगे, और भी जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उन सारी चीज़ों को मीट करना होगा। अगर इन सारे कॉस्टिंग को जोड़ लिया जाए तो लगभग 50 लाख के आसपास में इन्वेस्टमेंट आता है। अगर आपके पास 50 लाख रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है तब भी आप इस कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर अपने बिजनेस को कर सकते हैं। भारत सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है CGTMSE स्कीम। आप इस स्कीम के तहत अप टू 2 करोड़ तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 100% आपको कोलैटरल नहीं देना होगा, 100% आपको मॉर्गेज नहीं देना होता है, बल्कि जितने का लोन अमाउंट होता है उसका मात्र 25% का ही कोलैटरल या मॉर्गेज देना पड़ता है। लोन पाने के लिए आपको बहुत टाइप का डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके अलावा इनकम टैक्स का रिटर्न हो गया, और भी वेरियस टाइप के GST एंड अदर लाइसेंसेज आपको लगते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने के लिए और सही और टाइमली बनवाने के लिए आप विजिट कीजिए myprojectreport.com वेबसाइट पर, जो कि इंडिया की नंबर 1 प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन मेकिंग कंपनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा वहां पर भी जा सकते हैं, यहाँ जो स्क्रीन पर नंबर दिया हो आप डायरेक्ट यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। नीलकमल का फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आ जाइएगा nilkamalfurniture.com/pages/franchisee। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे आना है, वेबसाइट में स्क्रॉल करते करते आप देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। जो राइट हैंड साइड में ये आप देख रहे हैं यही सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। अब बेसिकली करना क्या है, इसमें अपना नाम, मोबाइल, ईमेल, प्रेफर्ड लोकेशन जो भी है वो सारी चीज़ें डालकर स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिए। डू यू ओन एनी फ्रेंचाइजी, अगर आप करते हैं तो यस कर दीजिए। आपके पास अगर रिटेल स्पेस है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। दोनों में से जो यस नो जैसा लगे वो करके और आपको सेंड कर देना है। जब आप सेंड कर देंगे तो कंपनी की तरफ से आपको 15 से 20 दिन के अंदर में कॉल बैक आएगा। अगर आपके प्रोफाइल को वो सेलेक्ट किए तो जो वहाँ का एरिया सेल्स मैनेजर होगा उसके साथ आपकी मीटिंग होगी, फ्रेंचाइजी मैनेजर के साथ मीटिंग होगी, और तब आपके फाइनेंशियल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी मैंने वेरियस टाइप के टॉपिक्स पर बहुत टाइप के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसके लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल के वीडियो के सेक्शन में एंड जाकर वहाँ पर वीडियोस जरूर देखिए। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।